बाल चाहे छोटी हो लेकिन स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, एकदम सिल्की होना चाहिए, शाइनियर होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप जितना भी चाहें स्टाइल उसमें कर सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं। सो हे फ्रेंड्स, दिस इज पद्मिनी फ्रॉम पद्मिनी निकेस चैनल। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की रेमेडी है हेयर रेमेडी, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सस्ता है। इसमें आपको कोई भी पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके घर में हर रोज़ मिलेगी, हर वक्त मिलेगी, क्योंकि ये हर किसी के घर में ज़रूर होती है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हम बालों के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितनी सारी चीज़ें करते हैं। और अगर इस तरह से आप थक चुके हैं और बहुत कुछ रेमेडी अपना चुके हैं लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा है, तो ये सस्ता सा रेमेडी लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल, 200% बेनिफिशियल, इसे ज़रूर अप्लाई करें। इससे आपकी बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और आपके बाल नेचुरली धीरे धीरे काले हो जाएंगे और हेयर लॉस होना, हेयर फॉल होना कम हो जाएगी। यकीन मानिए, ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है और ये सबसे सस्ता रेमेडी है लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव है। सो इसे ज़रूर अपनाएं। सो चलिए जानते हैं ये क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर हेयर यानी बाल हमारे हेल्दी ना हो तो हमारे मन भी दुखी रहता है, स्ट्रेस में रहता है कि क्या करूँ कि मेरे बाल स्वस्थ हो जाए, सही हो जाए। सो ये है वो रेमेडी, वो पानी जो कि आपको दिख रहा होगा कितनी कलर है, कितनी कलरफुल है, और ये नेचुरल कलर है उसकी। अगर ये पानी, इस कलर के पानी को आप बालों में लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो ग्रे हेयर हैं वो रिवर्स करेंगे धीरे धीरे, अगर कंटिन्यूसली लगाते रहेंगे। और साथ ही आपकी जो डाइट है वो सही होना चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स, डेयरी में मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोटीन्स, विटामिन्स जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी बालों की जो प्रॉब्लम है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, और बहुत ही रैपिडली आपके बाल बढ़ने लगेंगे। सो इसके लिए हमें चाहिए अनियन, अनियन का छिलका, अनियन का पील, और इसे सिर्फ इस अनियन के छिलके को लेना है, पील को लेना है। और फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा चाहे वो कोई भी वेजिटेबल हो, दाल हो या फिर नट्स हो, तो उसमें जो छिलके में जितनी प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं मतलब कई ज़्यादा उसमें होते हैं और जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स में नहीं होती। सो आज हम इसकी छिलके को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अनियन की जो स्मेल है मुझे अच्छी नहीं लगती बालों में लगाने से। सो इसलिए मैं इसकी छिलके को यूज़ कर रही हूँ, और अनियन से ज़्यादा इसकी छिलके में विटामिन्स, प्रोटीन्स और सल्फर होते हैं जो हमारे बालों के लिए सही होते हैं। और उस छिलके को अच्छे से धो लेना है क्योंकि पता नहीं कौन सी जगह में प्याज जो है नीचे गिर के आती है, तो उसे अच्छे से धो लेना है। और हमें चूल्हा ऑन करना है और एक जगह उसमें बाउल उसमें रखना है और एक गिलास पानी ऐड करना है, चूल्हे को ऑन करना है और उसमें जो छिलके हमने रखे थे प्याज के धो के अच्छे से उसे ऐड कर लेना है, और 5 to 10 minutes उसे बॉयल होने देना है, उसे कुक होने देना है। और उसके बाद धीरे धीरे पानी का कलर चेंज हो जाएगी क्योंकि ये नेचुरल है, और पुराने ज़माने से इसी को, प्याज के छिलके को कलर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था पहले से। सो अब हमें मिल जाती है कलर बाहर की, सो हम इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको दिख रहा होगा कुछ ही समय में पानी का कलर कितनी अच्छी से, मतलब इतनी रैपिडली, कितनी जल्दी चेंज हो गई, जो कि अगर आप इस पानी को लगाते रहेंगे लगातार अपने बालों में तो डेफिनेटली से आपके बालों की कलर जो है नेचुरली ब्लैक करेगी, जो हमारे नेचुरल कलर है ब्लैक के वो रिस्टोर करेगी। होने के बाद अच्छे से उसे ठंडा कर लेना है, ठंडा होने के बाद उसे छन्नी से छान कर अपने बालों में उसे अप्लाई करना है। लेकिन जब भी अप्लाई करें आप पहले से बालों को धो कर रखें, क्योंकि आजकल हमारे बालों में बहुत सारे मैल जम जाते हैं स्कैल्प में, धूल मिट्टी वगैरह, और ख़ास करके अभी जो समर चल रही है बहुत सारे हमें पसीने आते हैं, पसीने से जो जड़ें हैं हमारे बालों की उसमें बहुत सारे गंदगी मैल जम जाते हैं, तो उसमें अगर आप उसे अप्लाई करेंगे तो वो रिएक्शन करेगी, बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और इसलिए आपको अपने बालों को अच्छे से धो लेना है और फिर बालों को ड्राई करके इस पानी को उसमें अप्लाई करना है, और एटलीस्ट आप 1 आवर अपने बालों में उसे रहने देना है और उसके बाद सादे पानी से
धो लेना है, और जब धो रहे हैं उसके बाद जब बाल ड्राई हो जाए तो आपको ऑयल अप्लाई करना है। कोई भी ऑयल, जो आप अगर होम रेमेडी अप्लाई करते हैं तो उसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट डे हो सके तो आप अपने बालों को धो सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल होगी, जितनी अनियन जूस में होती है उतनी नहीं होगी, कम होगी, लेकिन हर किसी को पसंद नहीं होती है स्मेल, सो इस वजह से। लेकिन जब आप उसे अप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे यानी 2 दिन के बाद ही शैम्पू अप्लाई करें, नहीं तो जो इसकी अनियन जो छिलके की पानी हमने बनाया है उसकी गुडनेस नहीं आएगी, वो धुल जाएगी। सो इस वजह से आपको 1 या 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद ही अप्लाई करना है शैम्पू वगैरह, बालों को धोना है। सो फ्रेंड्स, ये सबसे फास्टेस्ट और रेमेडी है हेयर ग्रोथ बढ़ाने की, हेयर लॉस कम करने की, क्योंकि अनियन की जो छिलके में होती है ढेर सारे सल्फर, जो कि स्काल्प की हेल्थ को मेंटेन करती है, हेयर ग्रोथ बढ़ाती है, हेयर लॉस कम करती है, साथ ही हमारे बालों की वॉल्यूम बढ़ाती है, बालों की सफ़ेदपन ग्रेनेस को कम करेगी धीरे धीरे अगर आप इसे लगाते रहेंगे वीकली 3 to 4 times, और साथ ही बालों की वॉल्यूम बढ़ाएगी, थिकनेस बढ़ाएगी, हेयर लॉस कम करेगी, हेयर ग्रोथ कराएगी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है, बहुत सस्ती है, बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे वीडियोज़ जो यूट्यूब में ट्रेंड कर रही है इसकी अनियन जूस की, सो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, ये डेफिनेटली काम करती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।